मिसाइलों और ड्रोन की जंग के साथ साथ जमीन पर आमने सामने की जंग भी तेज हो गई है। जमीनी जंग के तीन मोर्चे इस वक्त बारूद से दहल और दहक रहे हैं। ये तीन मोर्चे हैं यूक्रेन के सुमी, कुपियांस्क और रूस का शहर ब्रियांस्क। रूस का फोकस है यूक्रेन की जमीन पर अपनी सीमा की लकीर आगे बढ़ाना और यूक्रेन का फोकस है काउंटर ऑफेंसिव के दौरान युद्ध को रूस की जमीन पर ले जाना। इसीलिए आमने सामने की जंग तेज हो गई है। देखिए रणभूमि से आई विध्वंसक तस्वीरों पर आधारित ये रिपोर्ट। रूस की मिसाइल फोर्सेस यूक्रेन के शहरों को खंडहर बना रही है। यूक्रेनी फौज का शमशान बना रही है। ये हमले यूक्रेन के उन शक्ति केंद्रों पर हो रहे हैं जो उसकी पैदल सेना के लिए आगे बढ़ने का रास्ता बनाते हैं। जैसे ही यूक्रेन इन्फेंट्री की सप्लाई लाइन कटती है, रूस की इन्फेंट्री आर्टिलरी यूक्रेन के मोर्चों पर हमला बोल देती है। यूक्रेन के शहरों पर मिसाइल हमलों के बाद रूस की सेना ने ईस्टर्न फ्रंट लाइन पर कामिकाजे ड्रोन की विध्वंसक बरसात कर दी है। ये रूस के कामिकाजी लैंसेट और शाहिद ड्रोन का हमला है। ईस्टर्न फ्रंट लाइन पर यूक्रेन की आर्टिलरी को ये ड्रोन ध्वस्त कर रहे हैं। रूस के सटीक ड्रोन हमलों में यूक्रेन की फौज ध्वस्त हो रही है। रूस के कामिकाजे ड्रोन यूक्रेनी सैन्य वाहन और आर्टिलरी के काल बन गए हैं। यूक्रेन की सीमा में सुमी और कुपियांस्क में इस वक्त भीषण जंग लड़ी जा रही है। यूक्रेन की कोशिश है कि रूस के सीमाई शहर ब्रियांस्क में घुसकर हमला करना। यूक्रेन के दो मोर्चों यानी कुपियांस्क और सुमी पर इस वक्त बारूदी विध्वंस बरस रहा है। कुपियांस्क में रूसी सेना 12 घंटे से लगातार हमले कर रही है। यूक्रेन की आर्टिलरी कुपियांस्क पर लगातार बारूद बरसा रही है। सुमी के 7 क्षेत्रों पर भी 12 घंटे से रॉकेट वर्षा हो रही है। सुमी पर 12 घंटे में 200 से ज्यादा हमले हो चुके हैं। ये वीडियो फुटेज कुपियांस्क का है जहां यूक्रेनी आर्टिलरी एक बीएमपी वाहन से मोर्चे पर जा रही थी। रूस के ड्रोन ने इसे तबाह कर दिया। कुपियांस्क में रूसी सेना की बारूदी वर्षा लगातार जारी है। डॉनबास से सटा कुपियांस्क इस वक्त रूस का अगला लक्ष्य है। यूक्रेन की सेना खार्कीव की तरफ से कुपियांस्क के बाहरी क्षेत्रों में पहुंच रही है। रूस यूक्रेन की इन टुकड़ियों को निशाना बना रहा है। ये कुपियांस्क की तरफ बढ़ती हुई यूक्रेन की सेना है। एक नेटो सैन्य वाहन में सवार यूक्रेनी टुकड़ी कुपियांस्क की तरफ बढ़ रही है। तभी एक धमाका होता है और वाहन तबाह हो जाता है। दरअसल रूस की बिछाई बारूदी सुरंग के ऊपर से ये वाहन गुजरा और झटके में तबाह हो गया।
यूक्रेन भी अपने रॉकेट सिस्टम से कुप्यांस के नजदीक रूसी मोर्चों पर तबाही मचा रहा है। ये तस्वीरें यूक्रेन ने जारी की है, जिसमें एक रॉकेट रूस की पोस्ट पर गिरता है और इलाका दहल उठता है। कुप्यांस्क इस वक्त सबसे भीषण रण का केंद्र बन गया है। कुप्यांस्क में रूसी हमले को रोकने के लिए यूक्रेन ने 20,000 जवान भेजे हैं। रूस ने यूक्रेनी फौज पर कामिकाजी ड्रोन हमले शुरू कर दिए हैं। रूस ने यहां ग्लाइडर बम और फैब 500 बम का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। इसके अलावा परमाणु बॉम्बर से बमबारी की भी रणनीति बनाई है। रूस को रोकने के लिए यूक्रेन ने चैलेंजर टैंक उतार दिए हैं। नेटो के चैलेंजर 2 टैंक कुप्यांस्क के बाहरी इलाके में पहुंच चुके हैं। इन टैंकों के जरिए आगे बढ़ती रूसी फौज को रोका जाएगा। कुप्यांस्क के नजदीक यूक्रेन की सेना ने बड़ा मोर्चा तैयार कर लिया है। यहां हथियारों का कलेक्शन पॉइंट बनाया गया है और ये हमले की रणनीति का बेस कैंप है। कुप्यांस्क के अलावा सुमी में भी रूसी फौज ने जबरदस्त बमबारी जारी रखी है। रूस दो मोर्चों पर एक साथ बारूदी बारिश कर रहा है, तो यूक्रेन का टारगेट है रूस का शहर ब्रियांस्क। यूक्रेन मार्च 2023 में भी रूस के ब्रियांस्क शहर पर बॉर्डर पार कर हमले कर चुका है। यूक्रेन बीते 2 दिनों में ब्रियांस्क शहर पर ड्रोन हमले की 10 कोशिश कर चुका है। रूस की सेना ने यूक्रेन के ये ड्रोन ध्वस्त कर दिए। ये यूक्रेन के ड्रोन को इलेक्ट्रॉनिक हथियारों से नाकाम करने की फुटेज है। сегодня 14 августа 23 года совершили небольшую вылазку। यूक्रेन की कोशिश है कि रूस के शहर पर सीधा हमला किया जाए। 16 अगस्त को यूक्रेन की एक टुकड़ी ने बॉर्डर पार करने की कोशिश की, लेकिन घुसपैठ करने वाली टुकड़ी के 5 जवान मारे गए। इस घुसपैठ में यूक्रेन की मदद फ्रीडम ऑफ रशियन लीजन नाम का विद्रोही संगठन भी कर रहा है। यूक्रेन के 2 मोर्चे सीधी जंग और बारूद से दहल रहे हैं और यूक्रेन की कोशिश है कि रूस के सीमाई शहरों पर हमला करके रूसी सेना को उलझाया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारत।